दोस्तों अगर हम 2023 का प्रलम्स का पेपर देखें तो तकरीबन आठ क्वेश्चन मैप्स बेस्ड थे मैप्स बेस्ड फ्रॉम आई आर फ्राम जोग्राफी इन्वायरमेंट एंड इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो मैप्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो स्टैटिक मैप्स हो, जैसे माउंटेन रेंजेस के ऊपर रिवर्स के ऊपर या फिर वो करंट बेस्ड मैप्स हो रिगार्डिंग द प्लेसेस इन न्यूज जैसे यूक्रेन से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे सो वी हैव टू स्टडी द प्लेसेस इन न्यूज रली रोर्ली वेल बिकॉज अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं और इनको सॉल्व करके आप वेरी इजीली यू कैन स्कोर मार्क्स अबव द कट ऑफ लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर आपने इसके ऊपर एफर्ट नहीं डाला सो दे कैन कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट ऑल्सो सो so, प्लीज़ अगर आपने मैप्स अभी तक नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा हम स्लीपी क्लासेस पर भी एक मैप्स बेस्ड कोर्स लेकर आए हैं विच इज़ अ शॉर्ट क्रिस्प कोर्स जस्ट बिफोर द प्रिलिम्स एंड इसमें हम चार सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जोग्राफी आई आर इनवायरमेंट एंड हिस्ट्री क्यों रिक्वायर्ड था ये हर साल सवाल आते हैं पिछले साल भी आए उससे पिछले साल भी आए हैं ईजी सवाल होते हैं अगर आपको गाइडेड अप्रोच मिल जाए

फ्राम लास्ट ईयर्स प्रलम्स जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो कांगो बेसन के ऊपर है कि इन चार कंट्रीज में से कौन सी कंट्री कांगो बेसन या कांगो रेन फॉरेस्ट का पार्ट है क्यों पूछा गया कांगो बेसन में रामपेंट डीफॉरेस्टेशन थी टोटल छः कंट्रीज हैं जिनमें से आंसर है इस कैमरून राइट अब ये हमारे पास छः कंट्रीज हैं ना यू कुड बी आज टू क्वेश्चन अरेंज दीज कंट्रीज इन वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ क्लॉक वाइज एंटी क्लाक वाइज तो आपके लिए मैप हर तरह से प्रपेयर होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है okay, ये सिंपल था उसके बाद यूक्रेन पर क्वेश्चन आया कि यूक्रेन को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं अब इसमें से अगर आपको पता है तो आई थिंक यू वुड बी नोइंग दी आंसर वी हैव टू कंट्रीज सो वी हैव हंगरी एंड रोमानिया दंसर इज ए टोटल हमारे पास सात कंट्रीज हैं और यूक्रेन बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड लास्ट ईयर इसमें से जैसे मैंने बताया दो क्वेश्चन सॉल्व होते थे अगर आपने पढ़ा है अच्छे से एंड इनफैक्ट इस साल भी आ सकता है क्वेश्चन और ऐसे जो न्यूज़ में रहता है ना उनको आप निमोनिक्स की हेल्प से याद करिए Because ऐसे याद करना मुश्किल हो सकता है लास्ट मोमेंट में अगर आपको याद करना है निमोनिक्स कैन हेल्प जैसे यहां पर है एमएचएसपी टू आर आर बी मतलब टोटल सेवन कंट्रीज आर इनवॉल्व ठीक है सो मोल्डोवा रोमेनिया हंगरी स्लोवाकिया पोलैंड पोलेंड बेलारूस एंड रशिया सात कंट्रीज है और एमएचएसपी इनफैक्ट आपको ना वो भी बताता है कि किस पैटर्न में है जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो एमएचएसपी ठीक है आप एम एच एस पी को याद कर लीजिए यहाँ पर आप एक रोमानिया ऐड कर दीजिए एम और एच में ठीक है उसके बाद आपको बेलारूस और रशिया का तो फिर भी याद होना चाहिए फिर ये क्रिमिया है ठीक है यहाँ पर ब्लैक सी सी ऑफ अज़ोव है बिकॉज लाइक आई सेट यूक्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आपको पता होना चाहिए था देन एक जोग्राफी के माउंटेन रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है पहली स्टेटमेंट है अमरकंतक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सहयादरी रेंजेस अगर आपने मैप्स नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो भी आपको अमरकंतक के बारे में पता होगा कि इट इज वॉन्ट बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन सतपुराज एंड मेकाल और इससे नर्मदा सोन जोहिला जैसे रिवर्स निकलते हैं जोहिला ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन तो इतना तो सबने पढ़ा होता है ठीक है तो अमरकंतक ये आपको पता चल गया ये गलत है अब जो हमारे पास बिली बिली रंगन हिल्स हैं ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है शेषाचलम हिल्स भी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है यहाँ पर आपको पता है रेड सैंडलवुड मिलता है तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत है अगर आपने मैप किया हुआ है वेरी गुड इफ यू हैवेंट देन दिस इज समथिंग विच कैन बी सॉल्व अदरवाइज ऑल्सो राइट एंड देन वी ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री कि धन्या कटका इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजन वॉज धन्याटका विच फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिका वॉज लोकेटेड आंध्रा गंधारा कलिंगा मगध तो ये भी अगर आपने मैप के थ्रू पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दिस इज लोकेटेड इन आंध्रा ठीक है सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आपको लास्ट में कोई ऐसे मैप्स करवा दे तो लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो सकती है एंड लास्ट क्वेश्चन आई आर बेस्ड है आई आर के ऊपर भी प्लेसेज इन न्यूज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल ऑफ them आर in न्यूज इट्स जस्ट दैट यू हैव टू सी कि वो कहाँ पर हैं दुनिया में वो कहाँ पर हैं ताकि आप उसको यू नो बेटर वे में याद कर सको उसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाओ और ये तीनों जगहों पे ना कॉन्फ्लिक्ट रडन है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन जैसे डॉनबास जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूज़ में था सो दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज व टॉकिंग अबाउट काचिन इज इन टिग्रे इज इन योर इथोपिया नदरन पार्ट ऑफ द इथोपिया तो अगर आपने मैप्स किया हुआ जैसे ये रशिया यूक्रेन डॉनबास रिजन ठीक है क्यों ए न्यूज़ में है ये आपको आई में पता चलेगा कांचन म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट रडन लोग माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से इथोपिया टिग्रे टिगरे रिजन ठीक तो है तो मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन आई एम रिपीटिंग अगर आपने खुद से किया हुआ है नथिंग लाइक इट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा अगर हमसे करना चाहते हैं तो हमारा मैप्स का कोर्स है चारों के चारों सब्जेक्ट्स हम डिटेल में करेंगे एंड यू नो हो सकता है कि एक साल आई ज़्यादा आए हो सकता है एक साल इन्वायरमेंट ज़्यादा आए हो सकता है एक साल जोग्रफ़ी में से क्वेश्चन ज्यादा आए तो आपको प्रिपेयर तो सभी के लिए करना है बिकॉज यू पी एस सी इज़ द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल पेपर यू कैन ओनली मेक इट मोर प्रडिक्टेबल बाई प्रपेयरिंग वेल एंड दैट वेल दैट प्रपरेशन रिक्वायर्स हार्ड वर्क ठीक है सो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे